सैफ बोल रहे हैं? हाँ हाँ पहचान गए हाँ, सब बढ़िया है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत बधाई आपको, आप बाहर आ गए और हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है ये। चलिए अच्छी बात है, सही में आज मिठाई खाने का दिन हम लोगों के लिए आज ही है। बिल्कुल जी, यारे जानते हैं क्या हो गया, यहाँ तो दीपावली हम लोग के साइड पे तो मना ही नहीं। हम लोग के साइड पे तो दीपावली हुआ नहीं, और हमें जहाँ तक लगता है कि उत्तराखंड में लगभग दीपावली हुआ ही नहीं। क्योंकि ये मॉर्निंग का केस हो गया ना, ये 12 तारीख को आपको 5:30 बजे करीब मॉर्निंग का केस था, और दीपावली था उसी दिन, तो यहाँ दीपावली हुआ नहीं। कल जाके रात में देखा, कल दीपावली का जैसा माहौल था यहाँ रात में। बिल्कुल बिल्कुल, वो सिर्फ वहीं के लिए नहीं, अपने गांव के लिए भी, और लगभग ये पूरे देश की यही स्थिति थी। हम सब की सांसें अटकी हुई थी आप लोगों के लिए। अब हम हफ्ता दिन के अंदर में हम घर आ जाएंगे। अच्छा अच्छा दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सैफ से। सैफ बिहार के भोजपुर जिले के पेउर गांव के निवासी हैं, जो खुद 17 दिनों तक उस टनल में फंसे हुए थे। 17 दिनों के उस अवधि में, यानी कि अगर उस हम पीरियड्स या ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, तो अंदर किस तरह की एक्टिविटीज़ थी, अंदर लोग कैसे सर्वाइव कर रहे थे, इन सारे टॉपिक्स पर हमने बात करी है। और मैं बताऊं कि अभी सैफ ऋषिकेश स्थित एम्स हॉस्पिटल में एडमिट हैं सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से। हालाँकि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, और जब मैंने आज सुबह उनको फ़ोन किया था तो फ़ोन पर बात करने के लिए तैयार हो गए, और उन्होंने अंदर की एक पूरी कहानी बताई है कि अंदर में उन्होंने कैसे सर्वाइव किया, अंदर की क्या स्थिति थी, एक दूसरे की किस तरह से हौसला बढ़ा रहे थे। इन सारे टॉपिक्स पर सैफ ने खुलकर हमसे बातें की है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं और एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, तो उसी के लिए हम वीडियो वगैरह बनाते हैं। हम सोच रहे थे आपसे बस अगर टाइम है तो 2-3 मिनट आपसे बात कर लेते कुछ। अरे हाँ, गांव वाले लोग के लिए टाइम ही नहीं रहेगा, बाहर वाले के लिए कोई बात बोल देता है, गांव वाले के लिए तो आदमी हमेशा हाजिर है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो हम हाल में गए थे, आपके घर भी गए थे, फादर से भी मुलाकात हुई थी मेरी। तो उस समय तो सारे लोग बहुत परेशान थे, लेकिन अब परेशानी वाली तो बात हो रही थी। तो जरा सा, हाँ जरा सा ये बताइए कि 12 तारीख को जो ये घटना घटी थी, तो ये 5 बजे के आसपास घटना घटी थी ना? एक्चुअली क्या था कि 11 तारीख को हम लोग की नाइट शिफ्ट थी, तो 8 से 8 हम लोग का शिफ्ट रहता है, ठीक है। तो हम लोग स्पेस में थे, मतलब जहाँ पे टनल गिरा है वहाँ से 2.5 किलोमीटर आगे हम लोग थे। ओके ठीक है। तो हम फेस में खड़े हुए थे, काम चल रहा था, तो एक बैग एक इलेक्ट्रीशियन का फोन आया हमारे पास है कि सर टनल गिर गया है, गाड़ी लेके जल्दी आइए। तो हमें डाउट हुआ कि खेल मजाक कर रहा है या कहीं कुछ हल्का फुल्का इधर उधर कुछ गिरा हुआ होगा। तो गाड़ी लेके हम ड्राइवर को बोला कि जल्दी चलो भाई, देखते हैं क्या हुआ। गाड़ी लेके जब आए तो देख रहे हैं रास्ता में कहीं कुछ नहीं हुआ है। जब लास्ट में जब बाहर निकलने का जब टाइम आया तो देखने के रही तो यहीं पास गिरा हुआ है, मतलब और थोड़ा सा आगे रहने से हम लोग बाहर निकल जाएंगे, ऐसा ऐसा गिरा था। 210 मीटर से 260 मीटर तक है, लगभग 50 मीटर के आसपास एरिया कवर कर लिया ये। हाँ, कोलैप्स कर गया। देखिए कैविटी अलग होता है, कोलैप्स अलग होता है, ठीक है ना। कैविटी का मतलब होता है 4-5 मीटर हुआ, 3 मीटर हुआ। कोलैप्स का मतलब हुआ है कि पूरा एक का एक लेके पूरा बैठ जाना, पूरा बैठ जाना। अच्छा, तो अंदर में जो स्थिति थी उससे आप लोग कैसे निपट रहे थे, मतलब क्या अंदर में माहौल था, क्या लग रहा था आप लोगों को? स्टार्टिंग में तो माहौल ये था कि स्टार्टिंग में तो जब हम लोग देखा तो हम लोग का ना फोन काम कर रहा था, ना वॉकी टॉकी हमारे पास था, वो भी काम करना बंद कर दिया क्योंकि पूरा पैक हो गया, पूरा पैक हो गया। ना ऑक्सीजन आना, ना ऑक्सीजन जाना, ना एयर पासिंग होना, तो जाहिर सी बात है कि कोई चीज काम करेगा नहीं।
तो फिर हम लोग के टनल में दो पाइप आता है, एक इनलेट एक आउटलेट। इनलेट का मतलब हुआ कि अंदर में फ्रेश पानी जाता है, मशीनरी हमारी जो रहती है ना, कुछ कुछ मशीनरी है जो चलेगी तो उसको कंटिन्यू चलेगी तो उसको कंटिन्यू वाटर सप्लाई चाहिए, हाइड्रोलिक हीट नहीं हो, ठीक है ना। और एक जो 4 इंची का जो पाइप था वो डिवाइडिंग मतलब वेस्टेज पानी को आउट करना, टनल से बाहर करना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम लोगों ने दिमाग लगाया कि अब तो हम लोग के पास कोई ऑप्शन है नहीं, अब बाहर वाला भी अगर चाहेगा तो हम लोग से बात कैसे करेगा। तो हम लोगों ने पंप को 3-4 बार चालू किया बंद किया, चालू किया बंद किया, तो पानी जब 3-4 बार बाहर जब गिरा बंद हुआ तो उन लोग समझ गया कि इन लोग कुछ मैसेज देना चाह रहा है। फिर हम लोगों ने क्या किया, तुरंत पाइप को खोल दिया, वहां से अंदर से पाइप खोल दिया और बाहर वाला भी पाइप खोल के तुरंत हल्का फुल्का थोड़ा बातचीत हुआ तो उन लोग को ये जान गए कि हाँ हम लोग सब सुरक्षित हैं। फिर उन लोगों ने क्या किया, कंप्रेसर के द्वारा अंदर ऑक्सीजन चालू कर दिया, ऑक्सीजन आना चालू हो गया। ऐसे टनल में आपको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा रहता है कि आप 1-2 दिन आराम से रह सकते हैं। अच्छा, इतना रहता है क्योंकि टनल का डाया भी बहुत ज्यादा था, लेंथ भी हो गया था, तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में था। अगर 1-2 दिन भी नहीं आता तो वैसी कोई दिक्कत ना होती। खाने पीने का इश्यू आता है लेकिन ऑक्सीजन का तो 3-4 दिन तक इश्यू नहीं आने वाला था। खैर, तो ऑक्सीजन आना चालू हो गया और उसी पाइप के जरिए मुढ़ी हो गया, काजू हो गया, किशमिश हो गया, भूंजा हुआ चना हो गया, आपको यही सब भिगोया हुआ चना था, ये सब आना चालू हो गया। मतलब हम लोग की जिंदगी अब पटरी पे आ गई, हम लोग खाने पीने चलने लगे लगभग। और हम लोग के पास मोबाइल चार्ज था तो हम लोग उस वक्त मोबाइल को ऑफ करके रखते थे, जब दिल करता था हम लोग टाइम देखने के लिए और डेट उट देखने के, क्योंकि अंदर तो मालूम आपको चलेगा नहीं, डे और नाइट सेम मालूम चलेगा। और केबल जो हम लोग का था अंडरग्राउंड केबल था, उससे मतलब आपको केबल के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं आया, ठीक है। तो लाइट मिल रही थी कंटिन्यू फिर अंदर। हाँ, लाइट। फिर हम लोग का चार्जर वगैरह आया तो हम लोगों ने मोबाइल कंटिन्यू कर दिया, लेकिन नेटवर्क नहीं था। जो मोबाइल अपना वही आप समझ सकते हैं गांव घर में अपना जो है अपना देख उक रहे हैं फिल्म विलिम यही सब, आप अंदर तो नेटवर्क चलेगा नहीं, जो नेट चलाएंगे हम लोग तो जो मोबाइल में है वही चल रहा है। फिर 1 वीक के बाद लमसम 6 इंची का पाइप ऊपर से आया, तो पहले तो उसमें से कैमरा आया, जो पहला फुटेज जो हम लोग का सामने आया रात में आया कैमरा, हम लोग को सब देखा हुआ लोग कि सब लोग ठीक ठाक है। फिर उसी कैमरे के फिर उसी पाइपलाइन के माध्यम से हम लोग के लिए खाना उना आना चालू हो गया और वही चालू हो गया। फिर कंटिन्यू खाना आता रहा, हम लोग खाते रहे बात। फिर फोन उन भी आ गया, अब वो BSNL आ गया, फिर एक और था SDRF की टीम ने अपना फोन दिया था, उससे बातचीत चालू हो गई। फिर बाकी तो हमारी कंपनी ने जी जान से मेहनत किया, SDRF, NDRF, स्टेट गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री धामी जी ने भी बहुत मेहनत किया। बिल्कुल, थोड़ा सा ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि अंदर में आप लोग लगभग 41 लोग थे, तो 41 लोगों की मतलब मेंटल स्थिति क्या थी, मतलब सारे के सारे सारे के सारे लोग परफेक्ट थे, कहीं किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं था। एकाक आदमी डर भी रहा था तो उसको हम लोग समझा दिए कि होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं, तो वो लोग भी फिर समझ गया क्योंकि हम लोग जब सब ठीक है तो वो भी देख के हम लोग के साथ घुल मिल गया। तो मतलब अंदर में जिस तरह के अपडेट्स आपको मिल रहे थे तो आपको लग रहा था कि बाहर मतलब बहुत बड़े लेवल पे कोशिश की जा रही है और सारे लोग लगे हुए। हम लोग को हम PM साहब, हमारे कंपनी के MD साहब, PM साहब, बहुत सारे मतलब NHIDCL के GM साहब, सबसे हमारी बातें हम ही से कंटिन्यू बातें होती रहती थी सबसे। अच्छा अच्छा। तो ये हमें न्यूज मिलता रहता था क्योंकि अंदर में सीनियर जो थे हम ही सब ही थे, तो हमसे सारी बातें होती रहती थी जो भी है। और बाकी हमारे भाई साहब भी आए हुए थे, नैयर साहब को तो आप जानते ही हैं, वो भी आए हुए थे, उन लोग भी हम लोग का हौसला अफजाई कर रहे थे और हम लोग के कंपनी के साथ कदम से कदम मिलाकर उन लोगों ने भी बखूबी साथ दिया है और इस अंजाम दिया है इस काम को। हम लोग सब बाहर निकल गए, बहुत गांव वाले का भी सब लोगों का दुआ हम लोग के साथ काम आया, पूरे देश का दुआ काम आया और प्रधानमंत्री जी से भी हमारी बात हुई और बाकी प्रधानमंत्री जी भी हम
मुख्यमंत्री के संपर्क में थे, बराबर लगे हुए थे, मेडिकल टीम वगैरह, मतलब कहिए तो पूरा ऑल इंडिया, पूरा वर्ल्ड हम लोग पूरा विश्वास कर रहा था। इसका असर ये हुआ कि हम लोग अच्छे से निकले और सब कोई खुशी खुशी बाहर आ गए। बस यही है और क्या, तो बाकी उसके बाद हम लोग एम्स में भी हैं। एम्स में हम लोग हैं, मतलब कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, एक फॉर्मेलिटी होता है कि आप इतना दिन अंदर में हैं, शायद आपको कुछ अंदर फॉल्ट हुआ या ना हुआ, वही सब चेकअप चल रहा है। बाकी अभी तक जो भी हम लोग का रिपोर्ट आया है सारा नॉर्मल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, स्टेट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कुछ बात कही गई जिससे आप लोगों को कुछ अवार्ड के तौर पे मतलब दिया जाएगा या कुछ अलग से कुछ? ये स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से हम लोग को यहाँ उत्तराखंड गवर्नमेंट के तरफ से 1 लाख का चेक मिला है। मिल गया और मिल गया है। बाकी हमारी नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी जो है, जो कि पटना में जो फ्लाईओवर बना है ना गंगा किनारे मेरिन ड्राइव, उसने हमारी कंपनी ने काम किया है, उसने हम लोग को 2 लाख का चेक दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। और 2 महीना का बोनस और 1 महीना का पेमेंट आ जाएगा, वो भी कुछ दिन में, जितना वादा किया है। चेक तो दे दिया 2 लाख का, बाकी 2 महीना का बोनस और 1 महीना का पेमेंट कंपनी दे दी हम लोग को। उसके बाद हम लोग 1.5 महीना 2 महीना जो भी घर पे रेस्ट करेंगे फिर हम लोग अपने काम पे जाएंगे, लग जाएंगे। होता ही रहता है जिंदगी में, उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है, इसका इंसान को डरना नहीं है। और पूछिए। बिल्कुल नहीं, ये बहुत अच्छी बात रही कि आप सबने बहुत हिम्मत से काम लिया और सब, ये भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि मतलब जो लोग थोड़े कमजोर भी पड़ रहे थे तो सारे लोग मिल करके एक दूसरे की हौसला अफजाई कर रहे थे कि चलिए भाई काम कर रहे हैं, नॉर्मल घटना है और हम सब बाहर निकलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये जो होप था आप लोगों को बिल्कुल एक मजबूत बनाए हुए था अंदर में, नहीं? जी जी जी।